पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेव जो है जनरली बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा, इसके पीछे मेन रीज़न और मेरा मतलब ये है, मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये चैप्टर लास्ट में पढ़ता है कोचिंग में और जल्दी जल्दी इसको निपटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, और ये अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट तो है यार, तभी तो लास्ट में पढ़ाया जाता है, कुछ तो बात होगी ना। तो ये पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड टी, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन है जिसका टाइम पीरियड टी है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है ऐसा हार्मोनिक इक्वेशन दिया हुआ है। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट टाइम ऑफ फ्रैक्शन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये कह क्या रहा है कि ये किसी पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, कितने टाइम बाद फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले मैक्सिमम वेलोसिटी थी निकालो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो वेलोसिटी भी डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स बराबर है, और ओमेगा टी पाई बाई सिक्स का डिफरेंशिएशन लिख दूँ एक बार, डी बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये मुझे मिल जाएगा। देखो ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, दिस इज द वेलोसिटी जो मोशन दिया हुआ था उस मोशन का वेलोसिटी है ये, बराबर है। चलो अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, चलो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है। अब जो कंडीशन दिया हुआ उसको लगाओ, कहता है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो भी है वेलोसिटी भी वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी भी मैक्स का आधा है, ये कंडीशन दिया हुआ। इस कंडीशन के हिसाब से हमें टाइम पीरियड निकालना है, आफ्टर कितने टाइम टी की वैल्यू निकालनी है स्मॉल टी। तो इसको आसान है, इसको सॉल्व कर लो, अब ये जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स एंड ओमेगा मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा डिवाइडेड बाई टू। ये तो ए ओमेगा ने ए ओमेगा को ख़त्म कर दिया, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, और कॉस 1 बाई टू कितना होता है 60, तो 60 मतलब पाई बाई थ्री। ये तो अब यहाँ से अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई इसको 2 पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टाइम पीरियड टी स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, मतलब ये आ जाएगा पाई ने पाई को तो टी इज इक्वल टू टी अपॉन 12, इतने सेकंड बाद ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। चलो टी बाई 12, तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और फटाफट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, दिमाग तेजी से चलाओ।